डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो कूलम्स लॉ है ये हर समय हर सिचुएशन में कुछ समय के लिए वैलिड नहीं भी हो सकता, इट इज़ नॉट वैलिड ऑलवेज। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। तो हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और पॉइंट चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर घटा दिया जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी मटेरियल पर अगर हम चार्ज रखें उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर, तब उस पार्टिकल या उस मटेरियल का अपना एक डायमेंशन होगा, शेप होगा और साइज होगा। जहाँ पर हम चार्ज रखे हैं, Q1 जहाँ रखे हैं और Q2 जहाँ रखे हैं, तो वो डायमेंशन अगर इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो, तब हम कह सकते हैं कि दीज आर पॉइंट चार्जेस, दिस शुड बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। तो दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, और उनके बीच का सेपरेशन अगर R है, तब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर दोनों चार्ज सेम है तो पॉजिटिव अगर है या नेगेटिव अगर है तो रिपल्सन होगा, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा, और एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F = Q1 Q2 / 4π ε0 r² जहां पर 4π ε0 कांस्टेंट है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी चीज को हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तब अगर एक चार्ज यहां पर Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से R1 है, और एक चार्ज यहां पर Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तब ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 - R1, तब द फोर्स विल बी Q1 Q2 / 4π ε0, और ये जो डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी R2 - R1² और जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर लाने का सबसे आसान तरीका है कि उस वेक्टर से हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें, तो देन वी विल गेट दैट यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो हमारा यह वेक्टर है R2 - R1, तब उससे अगर हम उस वेक्टर से उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर दें, तब वी विल गेट द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इन दैट केस जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 / 4π ε0 R2 - R1 Q R2 - R1, दिस इज द कूलम्स लॉ वी नो। ये हम जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा लॉ है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है,
और प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम जानते हैं फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको पास होने में हम उस इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर सकते हैं नॉट मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी। सी के स्पीड से अधिक स्पीड से उस इंफॉर्मेशन को हम पास नहीं कर सकते हैं। तब अगर हम मान लें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम क्रिएट करें जहां हम एक चार्ज Q1 लें और एक चार्ज Q2 लें और सपोज करें इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 light year। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और एक थियोरिटिकल थ्योरी। मान लें कि ये डिस्टेंस जो 1 light year है दैट इज r। अब अगर हम एक डेट लें, मान लीजिए कोई एक सर्टेन डेट लें, मान लीजिए 1st January 2020, मान लें 1st जनवरी 2020 में हम इस चार्ज को बहुत ही जो Q2 चार्ज है उस चार्ज को डिस्प्लेस कर दें बहुत स्मॉल अमाउंट, मान लेते हैं डेल्टा r, वो कुछ मीटर्स का हो सकता है और वो करने में बहुत ही कम समय लगेगा, विद इन सेकेंड्स वी कैन डू इट। तब इससे पहले जो फोर्स था ऑन Q1 अगर मान लें वो F है, Q2 के द्वारा जो फोर्स ऑन Q1 था दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0r² था। लेकिन चूंकि ये डेल्टा आर डिस्टेंस डिस्प्लेस हो चुका है और किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है टुवर्ड्स दिस चार्ज Q1, तब द प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू r माइनस डेल्टा r। तब जो फोर्स होना चाहिए दैट इज F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0 r माइनस डेल्टा r होल स्क्वायर। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं कि फोर्स ये है, यानी फोर्स बढ़ चुका है, फोर्स बढ़ चुका है यानी डिस्टेंस घट चुका है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को Q1 तक पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल लगना चाहिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहां तक अभी नहीं पहुंचा है। तब अभी जब तक 1 साल बीत ना जाए इस पर फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी ये दिस मच, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहुंचने में सी के स्पीड से अधिक स्पीड से हम उस इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा सकते हैं। तब 1 साल तक जो फोर्स इस पर होना चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज Q2 द फोर्स ऑन Q1 दैट शुड बी Q1 Q2 बाई 4πε0r² एंड नॉट Q1 Q2 बाई 4πε0r माइनस डेल्टा r होल स्क्वायर। यानी एक्शन एट ए इंस्टेंट विल नॉट अफेक्ट इट्स इट विल नॉट हैव इट्स इफेक्ट एट फार अवे। ये जो इनहेरेंट हमारा कूलम्स लॉ का अजम्पशन है दैट इज मे बी दैट इज नॉट द वे वी लुक एट। अब अगर ऐसा है तो उसका कुछ रेमेडी भी होना चाहिए, व्हाट इज द रेमेडी। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट रेमेडी। अब रेमेडी ये है कि हम अज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि देर इज नो फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 एंड द चार्ज Q2 ऑन Q1। हम मानेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ देर इज एनी अदर चार्जेस और नॉट, इफ देर इज अ चार्ज Q
it will produce an, or rather it will create an entity which is called electric field. And this electric field will have its energy, उसका एक energy होगा, उसका एक momentum होगा और उसका एक अपना independent existence होगा. तो irrespective of any charge is there or not, अगर एक charge Q है तो it will produce or create an electric field. अगर हम मान लें एक charge Q है और electric field अगर है, क्रिएट करता है, तब एक डिस्टेंस आर पर, यहां पर अगर मान लीजिए एक डिस्टेंस आर है तो यहां पर वो एक फील्ड क्रिएट करेगा और उस फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और उस फील्ड को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ई इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ये वेक्टर आर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर irrespective of if there is any charge or not. और कब तक, अगर ये डिस्टेंस r चेंज कर गया तब क्या होगा, द फील्ड विल चेंज. और जब तक ये इंफॉर्मेशन इस चार्ज q तक नहीं आता है द ओल्ड फील्ड विल बी देयर. और जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ इस चार्ज q तक पहुंच गया कि फील्ड चेंज हो गया है, एक नया फील्ड क्रिएट हुआ है, तब उसी तरह से इन दैट फील्ड चेंज हो जाएगा. तो ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. And the next step is, suppose कि एक Q charge या मान लेते हैं एक Q dash charge है और यहां पर एक charge Q रखा गया है, तो ये field उस charge Q पर एक force लगाएगा और वो force, वो field, वो charge जहां रखा हुआ है और जो charge उस फील्ड को क्रिएट कर रहा है उसका अगर डिस्टेंस आर है, उस डिस्टेंस पर जो भी फील्ड होगा वो फोर्स जो लगाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू ई. ये क्यू डैश यहां पर फील्ड क्रिएट कर रहा है, चार्ज क्यू को हम लाए हैं और यहां पर इस क्यू के कारण, क्यू डैश के कारण फील्ड है ई, तब द फोर्स हियर इज एफ इक्वल टू क्यू ई. तब अगर इसी कंसेप्ट को लेके हमारे पुराने प्रॉब्लम पर चले तब क्या होगा कि हम उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं इस तरह से कि मान लेते हैं ये बहुत देर से यहाँ पर इस चार्ज को हम रखे हुए हैं और इस चार्ज को भी हम रखे हुए हैं. इस दोनों चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड तैयार हो रहा है मान लेते हैं वो ई है और फोर्स है क्यू ई. अब क्या हुआ, और अगर क्यू डैश की, अब क्या हुआ, इसको हम डिस्प्लेस कर दें तो डिस्प्लेस करने से क्या होगा कि हमारा एक नया फील्ड यहाँ क्रिएट होगा और नया फील्ड जब क्रिएट होगा तो तब तक वो नया फील्ड, जब तक नया फील्ड यहाँ पर नहीं आ जाता है तब तक ये पुराना फील्ड ही काम करेगा यहाँ पर, और पुराना फील्ड काम करेगा यहाँ पर मतलब पुराना फोर्स ही काम करेगा यहाँ पर. तो जब तक, यानी एक साल तक अगर हम देखें उस तरह से, अगर एक साल तक ये पुराना फील्ड ही यहां काम करेगा और पुराना फोर्स ही काम करेगा. अगर हम फिर इस Q को देखें या Q2 को देखें, ये Q1 था और ये Q2. तो हम अगर इस Q2 को देखें वो डिस्टेंस डेल्टा आर इस तरफ आ गया, लेकिन इस Q1 के कारण जो फील्ड यहां था वो तो यहां है ही, देर इज नो मूवमेंट ऑफ दिस Q1, और जो फील्ड यहां था वो यहां है ही. यहां कुछ वीकर फील्ड होगा और यहां कुछ स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा क्योंकि ये इससे नजदीक पे है. और ये उसी, अब ये चार्ज जो यहां से यहां आया है ये उसी समय, अगर उसी दिन यानी फर्स्ट जनवरी 2020 को ही इट विल अंडरस्टैंड दैट इट हैज कम टू ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड. तब इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर. और इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज क्यू वन क्यू टू बाई
4 pi epsilon naught r square. So we can see that the field has met this force q1 q2 by 4 pi epsilon naught r minus delta r square on 1st January itself. लेकिन इस तक ये फोर्स चेंज होने में एक साल का समय लगेगा, यानी यहां पर अभी भी फोर्स कितना है q1 q2 by 4 pi epsilon r square और इस q2 पर फोर्स लग रहा है q1 q2 by 4 pi epsilon r minus delta r whole square, यानी हम कह सकते हैं कि एक साल तक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या करेगा, इट विल नॉट वर्क और इट विल नॉट बी वैलिड। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न केवल चार्ज स्टैटिक हो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट पिछले के कुछ समय से भी चार्ज को उसी पोजीशन में रहना पड़ेगा, यानी उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कितने समय पहले तक, दैट विल डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस q1 एंड q2 दैट इज r। कितने समय पहले तक, दैट विल डिपेंड ऑन r बाय c। इतने समय पहले से अगर दोनों चार्ज फिक्स्ड है, एक ही पोजीशन पर है, तब क्या होगा, विल ट्रीट दिस प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इस तरह के फील्ड्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे।